तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आरपीएफ की नई भर्ती 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आरपीएफ में एक न्यू वैकेंसी निकाली गई है, तो उसी के बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं कि कब तक ऑनलाइन होगा, कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, कितना सैलरी मिलेगा, कितने पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, कौन सा क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और इस तरह का न्यू वैकेंसी की जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, टोटल वैकेंसी 10,000 से अधिक पदों पर इसमें जारी किया गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए पोस्ट नेम दिया गया है, जो कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पद पर इसमें वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। यहाँ पे देखिए कौन सा पद के लिए कितना वैकेंसी जारी किया गया दोस्तों, उसी के बारे में यहाँ पे दिया गया। तो देख सकते हैं कॉन्स्टेबल मेल के लिए देख सकते हैं 4403 वैकेंसी है दोस्तों, कॉन्स्टेबल फीमेल के लिए 4216 वैकेंसी है दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर मेल के लिए 819 वैकेंसी है दोस्तों, और वहीं पे देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए 301 वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। यहाँ पे देखिए पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एग्जाम सेंटर पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए रहने वाले दोस्तों, जॉब लोकेशन एंड एग्जाम सेंटर पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए रहने वाली। अगर बात की जाए सैलरी के बारे में तो 21,000 से लेकर 30,000 रुपए तक पर मंथ आपको इसमें सैलरी मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया, जो 10वीं 12वीं पास कर चुके हैं तो आवेदन आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस साइट पर आने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों, हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों उस साइट पर आने के लिए आपको सबसे पहले गूगल या क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, उस पर सर्च करना होगा ताजा सम्मी, देख सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से आपको टाइप करना होगा, जैसा ही इस पर टाइप करके सर्च कीजिएगा दोस्तों, तो जैसा ही सर्च कीजिएगा तो सबसे पहला वेबसाइट जो आएगा दोस्तों इस देख लीजिए, इसका लोगो इसी पर आपको क्लिक करना होगा दोस्तों। जैसा ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो वेबसाइट का पहला इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें और भी अदर जानकारी दिया गया है दोस्तों, चाहे इसे पढ़ सकते हैं, वरना यहाँ पे देखिए 3 लाइन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना होगा दोस्तों। आप अपने फोन को डेस्कटॉप साइड में खोल लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो वेबसाइट आपके फोन में दूसरा टाइप से खुलेगा दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी में आपको वैकेंसी दिया गया दोस्तों, आपको काम करना है फोन को डेस्कटॉप साइड में खोल लेना दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसमें आपको खोजना होगा दोस्तों कि कहाँ पे वैकेंसी का डिटेल दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आरपीएफ का वैकेंसी दिया गया दोस्तों, यह पोस्ट नीचे चला जाएगा दोस्तों। अगर आप वीडियो पीछे देख रहे हैं तो इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो उसी साइड पर आप चले जाएगा दोस्तों, जिस साइड के बारे में हम बात कर रहे थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसमें पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बारे में दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, कितना नंबर का रहने वाली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी जानकारी इसमें लिखा गया दोस्तों, इस साइट पर आकर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फी के बारे में जानकारी दिया गया, जो जनरल ओबीसी अदर स्टेट के कैंडिडेट 500 रुपये में अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों, वहीं एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट देख सकते हैं दोस्तों 250 रुपये में अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए एज लिमिट के बारे में जानकारी दिया गया है, जो आपका एज 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच है तभी आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप ओबीसी का कैंडिडेट है तो आपका एज 18 से लेकर 28 वर्ष के बीच है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, वहीं एससी एसटी वाले कैंडिडेट 18 से लेकर 38 वर्ष के बीच है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ओबीसी वाले को 3 वर्ष और एससी एसटी वाले को 5 वर्ष अधिक छूट दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी दिया गया, जो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिजिकल के बारे में जानकारी दिया गया दोस्तों, रनिंग के बारे में जानकारी दिया गया, जो 1600 मीटर का दौड़ 6.5 मिनट में पूरा करना होगा दोस्तों। मेल कैंडिडेट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 मिनट 38 सेकंड लगने वाली दोस्तों, 8 सेकंड ज्यादा लगेगा। यहाँ पे देखिए 400 मीटर का दौड़ 4 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना होगा फीमेल कैंडिडेट के लिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए आवेदन करते वक्त कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगने वाली है उसी के बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी दिया गया दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो एंड सिग्नेचर होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी दोस्तों लग सकता है इसमें, और भी डॉक्यूमेंट भी लग सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए आवेदन किस तरह से करना है उसी के बारे में वीडियो में हेल्प दिया गया दोस्तों, इस वीडियो से हेल्प लेकर घर बैठे मोबाइल से आप आवेदन कर पाएंगे दोस्तों, आसानी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे लिंक दिया गया दोस्तों आवेदन करने पर, उसी पर से आवेदन कर सकते हैं क्लिक करके दोस्तों इस वीडियो से हेल्प लेकर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इस साइट पर आने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा ताजा समय दोस्तों, देख सकते हैं स्पेलिंग शो हो रहा है स्क्रीन पर, इसी प्रकार से आपको टाइप करना होगा दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इसी तरह